हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रानी शर्मा किचन। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बादाम पकौड़े, एकदम चटपटी और क्रिस्पी बादाम के पकौड़े, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो एकदम टेस्टी और यम्मी यम्मी बादाम के पकौड़े बनकर तैयार है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मेरी पकौड़ी की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये फ्राई हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो देखिए एकदम लाल हो चुकी है। तो हम आपको थाली में निकाल के दिखाएंगे किस तरह से आवाज करेगी, तो आपको आवाज से पता चल ही रहा होगा। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड्स, एकदम टेस्टी यम्मी चटपटा बादाम पकौड़ी बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है आपको बता रही हूँ। तो मैंने 1 कप काबली चना लिए हैं, इसे मैंने 2 सीटी लगा के हल्का बॉयल कर लिए हैं, और 1 कप बादाम लिए हैं, 1 कप बेसन, और 2 चम्मच के लगभग हम कॉर्नफ्लोर लिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप 2 चम्मच चावल के पाउडर ले सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक ली हूँ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, गोल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी धनिया पत्ता। तो चले अब हम इसे मिलाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे कोई झंझट नहीं है बनाने में, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं आज बनाने के लिए। तब हम एक बॉल ले लेंगे, इसमें बेसन डाल देंगे, 2 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब हम इसे सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो हम सारे मसाले को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फेंट लेंगे अच्छी तरह से। तब हम इसमें ये छोले डाल देंगे। हम आज छोले के पकौड़ी बना रहे हैं, तो आप तो हमेशा बादाम के पकौड़ी खाए होंगे। तो पहले मैं छोले के पकौड़ी बनाऊंगी, उसके बाद मैं बादाम के पकौड़ी बनाऊंगी। तो छोले को इसमें अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला दिए। देखिए तो मैंने बादाम भी इसी में डाल दिए हैं। तब हम इसमें ब्लैक सॉल्ट थोड़ा डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तब हम इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दे, या तो फिर आप इसे मिला के साथे साथ ही बना सकते हैं। एकदम मीडियम फ्लेम में इसे हम तलेंगे। तो देखिए अब हम तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं, अब हम इसे डालेंगे इसमें। हम एकदम मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे, इस तरह हम डाल देंगे। हम 1 चम्मच के पिछले हिस्से से इसे इस तरह से अलग अलग करेंगे, इस तरह घुमाते रहेंगे हम। तो सारे बादाम पकौड़े देखिए अलग हो जाएगी इसी तरह से। तो हम इसे एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, एकदम मीडियम फ्लेम में। फ्लेम को हम जोर नहीं करेंगे। तो देखिए सारे बादाम अलग अलग हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी चटपटी टेस्टी और यम्मी यम्मी बादाम के पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद है, आप टी टाइम में इसे बना के खा सकते हैं।
आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं बनाकर डब्बे में, जब मन करे तब खाएं। तब हम इसे थोड़ी देर के लाल होने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये फ्राई हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी है। तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए एकदम लाल हो चुकी है। तब हम आपको थाली में निकाल के दिखाएंगे किस तरह से आवाज करेगी। तो आपको आवाज से पता चल ही रहा होगा, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरह हम सारे पकौड़े तल के निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बादाम पकौड़ी की रेसिपी बनकर तैयार है। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरी पकौड़ी की रेसिपी कैसे लगी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बड़े बच्चे सबको बनाकर खिलाइएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आपके घर में भी सबको बहुत ही पसंद आएगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड। तो नए रेसिपी के साथ मैं फिर से मिलूंगी अगले वीडियो में।